हेलो स्टूडेंट, मैं आपका एचआरई ट्रेनर चंदन। जैसा कि हम पिछले वीडियो में टूल्स वाला चैप्टर स्टार्ट किए थे और अभी आप ये देख रहे हैं ये स्लाइड में कि आपका ये माइक्रो सोल्डरिंग आयरन है, तो हम इन्हीं पे डिस्कस अभी पिछले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि ये माइक्रो सोल्डरिंग आयरन है और इसका जो इस यूज़ है वो खास करके 90% मोबाइल रिपेयरिंग के टाइम पर यूज होता है, जो देखा गया। हालांकि सिर्फ इसी का नहीं होता, एक नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन स्टेशन भी होता है, उसका इस्तेमाल होता है। इसका मेन जो इस्तेमाल है वो आप देखेंगे कि जो वेरी स्मॉल लेवल का जो कंपोनेंट है ना, वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर जब आप जंपर, इसका जब कहीं पे जंपर लगाना होता है तब उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसकी बिट जो होती है बहुत पतली होती है, ताकि जो छोटे कंपोनेंट हो, छोटे छोटे कंपोनेंट या जो छोटी छोटी पिन होती है, खास करके ये USB केबल की पिन है या चार्जिंग जैक की पिन की बात कर लो आप, या अदर कोई कंपोनेंट, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आपको अगर क्लियर नहीं तो पिछला वीडियो देख लेना, YouTube के साइट पे जाके हुआवे दक्ष के नाम से, और आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा क्योंकि लिंक तो हम लोग ग्रुप में शेयर करते रहते हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोल्डरिंग वायर। इसका भी हम इस्तेमाल कर चुके, मतलब इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि सोल्डरिंग वायर होता क्या है। ये एक्चुअली एक कुछ मेटल्स के मिक्सअप का एक एलॉय होता है जो सोल्डरिंग के रूप में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है मेड अप ऑफ लीड और टिन, हालांकि ये दो ही चीज़ों से नहीं बना होता, लगभग 7 टाइप के मेटल्स का ये एलॉय होता है। ठीक है, तो इसका जो मेन इस्तेमाल है वो सोल्डरिंग के लिए यूज होता है, सोल्डरिंग और डी सोल्डरिंग करते टाइम इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर जंपरिंग के लिए। जंपरिंग के लिए तो नॉर्मल इस्तेमाल होगा जंपर वायर के साथ, और आपने कई जगह देखा होगा रेडियो टीवी के दुकान में, रिपेयरिंग के दुकान में आप लोगों ने इसको ईजिली देखा होगा कि इसके सहायता से सोल्डर माइक्रो सोल्डर या सोल्डर आयरन पे इसको लेके और फिर हम सोल्डिंग करते हैं या डी सोल्डिंग करते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है कि इसकी कॉस्टिंग जो है 20 से 25 रुपये पड़ता है। हाँ, पड़ता होगा, लेकिन इससे अच्छे अच्छे क्वालिटी के भी आता है जो मोबाइल फ़ोन्स में यूज होता है और थोड़ा कॉस्टली भी होता है। हालांकि यहाँ पे दिख रहा है कि 20 से 25 रुपये में छोटी जो छोटा इसका जो कॉइल है वो मिल जाता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वी नीड सोल्डरिंग वायर ड्यूरिंग मोबाइल रिपेयरिंग प्रोसेस ऑन द रेगुलर बेसिस। ठीक है, इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे होता है जब हम मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे ये आपका सोल्डरिंग वायर है। ठीक है, ये गेज में आता है, अलग अलग गेज में आता है, अलग अलग क्वालिटी का, तो आप जब परचेज करोगे या अलग अलग कंपनी में जाओगे तो इसकी अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा आपको सोल्डरिंग वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सोल्डिंग पेस्ट। सोल्डिंग पेस्ट होता क्या है, आप लोगों ने इसको भी देखा होगा बिल्कुल रिपेयरिंग की दुकान में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ अलग टाइप के सोल्डिंग पेस्ट होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ड्यूरिंग सोल्डिंग प्रोसेस वी नीड सोल्डिंग पेस्ट अलॉन्ग विद द सोल्डर आयरन, इट हेल्प टू गिविंग गुड फिनिशिंग वाइल सोल्डिंग, वेराइटी ऑफ सोल्डर इंक पेस्ट आर अवेलेबल इन मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट हेल्प टू गिविंग गुड फिनिशिंग, मतलब ये सोल्डिंग जो पेस्ट है इसका जो इस्तेमाल होता है अच्छे फिनिशिंग के लिए, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है अच्छे फिनिशिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप कोई कंपोनेंट लगा रहे हो या निकाल रहे हो, मतलब सोल्डिंग कर रहे हो या डिसोल्ड कर रहे हो, वहाँ पे जब आप सोल्डिंग करते हो तो बिल्कुल राउंड शेप में कंपोनेंट लग जाता है या फिर सोल्डिंग हो जाता है, किसी टाइप का उसमें मतलब इधर उधर कुछ शॉर्टिंग नहीं होता, और एक होता है ना मतलब मैसी टाइप का दिखना, वैसा कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल अच्छी तरीके से सोल्डिंग हो जाता है इसके सहायता से। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वैरायटी ऑफ सोल्डर इन पेस्ट आर अवेलेबल इन मार्केट बट वी शुड ऑलवेज परचेज बेस्ट क्वालिटी सोल्डरिंग पेस्ट एज शो हियर। ये यहाँ पे कह रहा है कि अलग अलग टाइप के सोल्डिंग आयरन है मार्केट में, बट हमें अच्छी क्वालिटी का सोल्डिंग पेस्ट परचेज करना चाहिए सोल्डिंग के लिए। तो मेन चीज़ है कि सोल्डिंग जो अलग अलग वैरायटी के बारे में बात कर रखा है कि अलग अलग टाइप की वैरायटी है, तो बिल्कुल सही बात है, अलग अलग टाइप की वैरायटी है। जैसे कि एक ये वाला आप जो ये पिक में देख रहे हो इस टाइप के पेस्ट आपको मिल जाएंगे, दूसरा होता है कि वो थोड़ा हार्डनेस होता है, लेकिन जैसे उस पर आप आयरन लगाओगे वो पिघल जाएगा और फिर वो सोल्डिंग हो जाएगा। एक होता है पेन फ्लक्स, पेन की तरह होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन हल्का सा चिपचिपा होता है, और जैसे आप मार्कर देखे होंगे सेम उस शेप में होता है, उसके सहायता से भी हम उसको जहाँ पे जिस कंपोनेंट को सोल्डिंग करना है उस पर पेन की सहायता से हल्का हल्का लगा देते हैं, बिल्कुल मार्कर की तरह होता है देखने में, उसको हल्का सा उस कंपोनेंट पे या उस प्लेस पे जाकर डाल के हम फोर्स पुश करते हैं तो
अपने आप जो लिक्विड वाला सोल्डरिंग पेस्ट है, फ्लक्स है, वो वहाँ पे चिपक जाता है। या फिर एक और फ्लक्स होता है, वो होता है लिक्विड फ्लक्स, उसको बोलते हैं लिक्विड फ्लक्स, बिल्कुल पानी की तरह होता है और उसमें आइसोप्रोपाइल की मात्रा होती है, मतलब कुछ ऐसे उसमें मटेरियल्स होता है जो अपने आप थोड़ी देर बाद वो उस जगह से उड़ जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैरायटी ऑफ सोल्डरिंग इन पेस्ट आर अवेलेबल इन मार्केट, मतलब बहुत टाइप के वैरायटी में है। तो हम ये देखना है कि जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो गुड फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद ये थोड़ा बहुत दाग छोड़ता है तो हमें उसकी क्लीनिंग भी करनी होती है। लेकिन इसका मेन यूज़ है सोल्डरिंग के टाइम पे, कि इसको लगा के हम सोल्डरिंग करते हैं। गुड फिनिशिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ आप टेक्निकल टर्म में देखोगे कि गुड फिनिशिंग तो एक नॉर्मल लैंग्वेज है कि हाँ अच्छे तरीके से हो गया, लेकिन इसका मेन काम होता है कि जब हम सोल्डरिंग पेस्ट लगाते हैं तो पेस्ट वहाँ पे सोल्डरिंग करने के बाद जब सोल्डरिंग हटाते हो वो पीसीबी या वो कंपोनेंट ठंडा हुआ था, तो होता क्या है कि वहाँ पे कई टाइप के ऑक्साइड जम जाता है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे गैसेस का मिक्सअप है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन इस ऑक्सीजन के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजन है, हीलियम, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, कुछ ना कुछ गैस के मिक्सअप है, हम प्योर ऑक्सीजन तो ले नहीं पाते। तो वही गैस का मिक्सअप है इस जगह पर जब लगता है, जब जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो वो गैस एक परत बना लेती है। तो उस परत को हटाने के लिए सोल्डरिंग पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और मेल्ट होकर उस कंपोनेंट को निकाल दे या फिर उस कंपोनेंट को लगा दे, ऐसा होता है। तो इसका इस्तेमाल यही है कि गुड फिनिशिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पीसीबी स्टेन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पीसीबी स्टेन इज आल्सो नोन एज ए पीसीबी होल्डर, मतलब पीसीबी स्टेन को हम पीसीबी होल्डर भी कहते हैं, कई कंपनियों में इसको पीसीबी जिग भी बोलते हैं। इसका यूज जो है जब हम रिवर्क करते हैं किसी मोबाइल फ़ोन में कंपोनेंट, आईसी या चार्जिंग जैक या कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, तो जो मोबाइल फ़ोन का पीसीबी है या मदरबोर्ड, उसको हम इस वाले एरिया में फिक्स करते हैं। ये जो देख रहे हैं स्प्रिंग, ये इसका लीवर है, इसको थोड़ा सा लूज़ करके पीछे करते हैं और एक दो तीन, ये तीन जो इसके होल्डर है, इसके सहायता से उसमें हम पीसीबी फिक्स करते हैं। ये थोड़ा, ये लगभग 250-300 ग्राम का होता है, और थोड़ा महंगा वाला लोगे तो एक एक किलो का होता है ये पीसीबी जिग, ठीक है, इसका वजन होता है, ताकि इसमें जब हम इसमें फिक्स कर देते हैं पीसीबी, जब हम रिपेयरिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप अच्छे से एक हाथ से आप हॉट एयर गन या फिर सोल्डरिंग आयरन लेके इसको इसमें रिवर्क कर सकते हैं। जब आप रिवर्क करोगे तो पीसीबी इधर उधर हिलेगा नहीं। अगर हम इसके इस्तेमाल नहीं करते और नॉर्मली ऐसे ही अपने रिपेयर बेंच पे रख के हम रिवर्क करते तो पीसीबी हिलने का चांसेस रहता है, और हिलने के कारण आपका कंपोनेंट या अलग पार्ट जो भी पार्ट्स है वो मिसप्लेस हो सकता है या डैमेज हो सकता है, या फिर फ़ोन ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये पीसीबी होल्डर है, इसमें हम पीसीबी को फिक्स करके फिर हम उस पर काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज ड्यूरिंग रिपेयरिंग टू होल्ड द मदरबोर्ड, इफ पीसीबी इज गेटिंग ओवरहीटेड वी कैन प्लेस इट ऑन होल्डर एंड कैन डू सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग प्रोसेस ईजिली। मतलब कह रहा है कि अगर फ़ोन आप पीसीबी जो है, मतलब अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हम इसकी सहायता से इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है, प्लेस कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, जब तक पीसीबी ठंडा ना हो जाए तब तक उसको मूव नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि अगर आप रिवर्क किए हो, पीसीबी गर्म है, तो डेफिनेटली उसका जो सोल्डिंग वाला जो कंपोनेंट या जो भी उसके पार्ट्स है वो भी गर्म होगा। अगर ऐसे आपको उठा के तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह करते हो तो मेल्ट के कारण उसका जो आईसी है या कंपोनेंट है अपनी जगह से वो खिसक सकता है और शॉर्ट होने का चांसेस रहता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इस पीसीबी स्टैंड का जब इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम कुछ रिवर्क कर रहे हैं, तो रिवर्क करने के दो मतलब एक दो मिनट बाद ही हम पीसीबी को एक जगह से दूसरी जगह रखें, क्योंकि उस कंडीशन में ये ठंडा हो जाएगा। अगर हमने कोई चीज़ लगाया उसको तुरंत उठा के इधर से उधर रख दिया, वो कंपोनेंट आपका मिसप्लेस होने का डर रहेगा और शॉर्टिंग भी हो सकता है। तो हमें ये नहीं करना, हमें ये करना है कि सोल्डिंग करने के बाद दो या तीन मिनट बाद जब पीसीबी थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसको हम मूव कर सकते हैं, या फिर इसमें से हम पीसीबी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पीसीबी क्लीनर, ठीक है। यू कैन सी टू लिक्विड बॉटल, देज आर पीसीबी क्लीनर, वन ऑफ द देज लिक्विड लुक लाइक वाटर, कॉल इट आईपी
IPA liquid and another one is pink color called Elima. ठीक है, जैसा कि बोल रहा है कि ये PCV क्लीनर है, ये दो बॉक्स ये जो ये आपको दिख रहा है ये बॉटल, ये PCV क्लीनर है, इसमें एक को हम IPA बोलते हैं और एक को Elima बोलते हैं। लेकिन हम मैक्सिमम जो इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में या अपने शॉप पे भी, या आपने देखा होगा कई जगह ये IPA का इस्तेमाल होता है, कुछ लोग तो इसकी जगह पेट्रोल यूज़ कर लेते हैं दुकान वाले, जो गलत है। वो क्या होता है, पेट्रोल में कुछ और भी मटेरियल होता है जो PCV के कंपोनेंट नुकसान पहुंचा सकता है, तो हमें IPA का इस्तेमाल करना चाहिए। IPA का फुल फॉर्म होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जैसा कि इसके नाम में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अल्कोहल होता क्या है कि एक ये उड़ने वाली एक तत्व है, जो जहाँ पे आप इसके इस्तेमाल करते हो थोड़ी देर बाद ये हवा में अपने आप उड़ जाता है और वो जगह सूख जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी यूज बोथ आर देज लिक्विड टू क्लीन द मदर बोर्ड, इट हेल्प टू वॉश टू मदर बोर्ड विच ऑल्सो हेल्प इन सॉल्विंग द माइनर प्रॉब्लम ऑन द मदर बोर्ड। ये यहाँ पे कह रहा है कि इसका इस्तेमाल हम मदरबोर्ड या मोबाइल PCB की साफ़ सफाई के लिए करते हैं, या फिर कुछ माइनर प्रॉब्लम हो तो वो भी साफ़ करने से ठीक हुआ हो जाता है। तो ये बात सही है कि जैसे कि कोई PCB हो उसमें मॉइस्चर जम गया हो, या कोई वैसी डस्ट है जिसके कारण कंपोनेंट आपस में शॉर्ट कर रहा है, खास करके चार्जिंग पॉइंट जहाँ पे छोटे छोटे लगभग 6 से 8 पिन होता है, तो वहाँ पे अगर मॉइस्चर जम गया, क्योंकि वो ओपन एरिया में होता है हमेशा, जहाँ से हम चार्जिंग केबल इंसर्ट करते हैं तो हमेशा वो ओपन एरिया में, तो वहाँ पे मॉइस्चर जमने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है और होता भी है। तो वहाँ पे मॉइस्चर जम गया तो चार्जिंग प्रॉब्लम आ जाएगी, फ़ोन हैंग करेगा, या फिर आपका USB कनेक्टिविटी नहीं बनाएगा आपके लैपटॉप या PC के साथ, या फिर कुछ और शॉर्टिंग होगा, या आप ये लगा लो अगर वॉल्यूम की के पास मॉइस्चर या कोई लिक्विड सा जम गया है तो वहाँ पे भी शॉर्टिंग करेगा, या अदर फंक्शन पे भी कनेक्टर, जैसे कैमरा कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर, यहाँ पे भी मॉइस्चर जमने के चांसेस होता है, लिक्विड आ जाता है। तो क्या होता है कि उसमें ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, फ़ोन में हैंग करता है या वो फंक्शन काम नहीं करता, जैसे कि वॉल्यूम की के कनेक्टर पे जम गया तो आपका वॉल्यूम की प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा, या तो कभी हार्ड उसको प्रेस करना पड़ेगा, या कभी वो काम ही नहीं करेगा, कभी करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो शॉर्टिंग होता रहता है। तो होता क्या है कि हम इसके सहायता से हम उसको साफ करते हैं तो जो माइनर प्रॉब्लम छोटी मोटी प्रॉब्लम है दूर हो जाती है। लेकिन इसका मेन यूज क्या है, इसका मेन यूज है कि जब आप PCB पे रिवर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, कोई कंपोनेंट लगा रहे हो, निकाल रहे हो, तो उस टाइम इसका इस्तेमाल होता है कि उसको हमें निकाल, जो हमने रिवर्क किया है, जो कोई कंपोनेंट निकाला है या फिर लगाया है, तो लगाने के बाद ना हम इस IPA की सहायता से उसको हम साफ़ करते हैं। अगर साफ़ नहीं करेंगे और जो सोल्डरिंग पेस्ट है उसी पे रह गया, तो आने वाले मतलब फ्यूचर में ना वो 2-3 महीने बाद ना वो PCB पेस्ट के कारण वो फिर से प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आ जाएगी उस फ़ोन में। तो इसलिए हमें जब भी कोई कंपोनेंट लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, या उसको सही कर रहे हैं, तो सोल्डरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो हमें उसको साफ सफाई करना जरूरी होता है। और जो हम सफाई करते हैं इसी IPA PCB क्लीनर से, इस PCB क्लीनर से हम उस मदरबोर्ड को या उस सोल्डरिंग वाले पार्ट को या जहाँ पे हमने कंपोनेंट लगाए हैं उसको हम साफ़ करते हैं, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं ना आए। आपको याद रखना है कि जब भी आप कुछ भी रिवर्क कर रहे हो, छोटी से छोटी चीज़ आप लगा रहे हो, सोल्डरिंग कर रहे हो, तो सोल्डरिंग के बाद आपको IPA से उस जगह को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं साफ़ करेंगे तो फ्यूचर में वो प्रॉब्लम जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो फिर से आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो सोल्डरिंग पेस्ट है वो रह जाता है और वो बाद में वो फिर किसी और फॉर्म में चेंज होकर उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो इसलिए हमें इसका इस्तेमाल करना होता है PCB पे रिवर करने के बाद सफाई करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक क्लीनर। ठीक है, ये होता क्या है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें एक केबल लगा होता है जो पावर सॉकेट से जुड़ता है। यहाँ पे दिखा नहीं रखा पावर सॉकेट, लेकिन होता है, इसका इस्तेमाल मैंने किया हुआ है। ये मेन क्या होता है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज टू क्लीन PCB ऑफ अ मोबाइल फ़ोन एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। होता क्या है कि कोई वैसा फ़ोन जो पानी में गिर गया हो मिस हैंडलिंग से, या फिर उसमें तेल चला गया हो, कुछ भी मान लो, अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग जगह पे काम करते हैं, कुछ लोग हलवाई की दुकान पे काम करते हैं, कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ लोग किसानी करते हैं, खेत में काम करते हैं, और गलती से उनका फ़ोन कीचड़ तेल या कहीं गिर गया, या फिर उसमें कुछ चला गया लिक्विड टाइप का,
तेल हो, कुछ भी हो, डस्ट हो, कीचड़ हो, या कभी कभी बच्चे भी उसमें ना फोन बच्चे के हाथ में जाते, बच्चे भी लार्वा टाइप का कुछ भी लिक्विड फॉर्म उसमें चला जाता है, तो वो फिर फ़ोन में दिक्कत होती है। तो उस चीज़ को, उस लिक्विड फॉर्म को निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि इसमें बैटरी वाटर डलता है, बैटरी वाटर आपने देखा होगा जो इन्वर्टर की बैटरी, उसमें जो पानी होता है वाटर उसी टाइप का होता है, लेकिन बैटरी में तो हार्ड एसिड होता है लेकिन वो उतना हार्ड नहीं होता, मतलब बैटरी वाटर ही होता है जो बैटरी में डलता है लेकिन थोड़ा कम पावर का होता है। तो वो इसमें हम डाल के मदरबोर्ड इसमें पुट करके, इसमें हम पहले लिक्विड डालेंगे, मदरबोर्ड पुट कर देंगे, उसको कवर करके फिर इसके सॉकेट को इलेक्ट्रिक स्विच से लगा के, मतलब बोर्ड से लगा के उसको ऑन कर देंगे, और 10 से 15 मिनट तक, 15 मिनट तक मैक्सिमम इसको छोड़ देते हैं। इसमें से एक आवाज़ आती है, कुछ अजीब सा कंपन सा भी होता है, और मतलब घनघनाहट की आवाज़ आती रहती है इसमें से, ठीक है। तो होता क्या है कि जो ये हल्का हल्का जो वाइब्रेट करता है और जो घनघनाहट होती है ना, उससे क्या है कि जो कंपोनेंट के अंदर, खास करके आईसी के अंदर बहुत सारे बॉल होता है, उसके अंदर लिक्विड चला गया या कोई मॉइस्चर जमा हुआ है, तो उसको हम आईपीए या ब्रश की सहायता से जल्दी हम नहीं निकाल सकते, तो वो इसी मशीन में निकलता है। तो उसमें डाल के हम इसको 10-15 मिनट के छोड़ देते हैं ऑन करके, तो ये अपने आप उस बैटरी वाटर से आईसी के अंदर भी, जो बॉल के अंदर भी कुछ मॉइस्चर चला गया हो या कुछ शॉर्टिंग है, उसको साफ़ कर देता है, उस पानी को हटा देता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम निकाल के, फिर जब बैटरी वाटर से निकल जाएगा तो इस आईपीए से एक बार हम ईएसटी ब्रश की सहायता से उसको साफ़ कर देंगे, थोड़ी देर सुखा देंगे, चाहे आप हॉट एयर गन से सुखा दो या वैसे ही रख दो बाहर, तो वो 10 मिनट में सूख जाएगा पीसीबी। उसके बाद हम इसको चेक कर सकते हैं, पीसीबी ऑन होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन 100% नहीं। अगर आईसी के अंदर गया हुआ तब 50% चांस है कि आपका मोबाइल फ़ोन ओके हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली है कि अल्ट्रासोनिक क्लीनर है, मतलब पीसीबी के अंदर जो भी लिक्विड गया हुआ है, मतलब पूरे पीसीबी में, तब उस इसकी सहायता से हम इसको साफ़ करते हैं। हालांकि अभी इसका इस्तेमाल ना के बराबर है, फिर भी अगर आप चाहो मार्केट में ढूंढना तो मिल जाएगा, अपने शॉप पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कंपनियों में इसका इस्तेमाल बहुत कम है, हाँ सर्विस सेंटर पर होता है इस्तेमाल, जैसे कि किसी फ़ोन, किसी कस्टमर का फ़ोन आउट ऑफ वारंटी हो चुका है और उसकी वारंटी ख़त्म हो गई है, फिर भी वह फ़ोन को रिपेयर कराना चाहता है और उसका फ़ोन लिक्विड डैमेज है, पानी में गया हुआ है, तब हम उस कंडीशन में हम कस्टमर को बता देते हैं कि जो टर्म एंड कंडीशन हो कि आउट ऑफ वारंटी में हम क्या चार्जेस होता है रिपेयर होने के, कितने परसेंट चांसेज है, नहीं होगा तो क्या आपको चार्ज देना पड़ेगा ना, वो कंपनी के अपने रूल्स और पॉलिसी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता के तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फिर रिपेयर करते हैं फ़ोन को, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसमें ईएसडी ब्रश, ठीक है। जैसा कि आप ये पिक में देख रहे हैं, बहुत सारे ब्रश है काले कलर का, ये ईएसडी ब्रश कहलाता है। ये खास करके एक अलग मटेरियल से बना होता है जिसको रविंग करने पे किसी टाइप का कोई चार्ज जनरेट नहीं होता। एक नॉर्मल जो ब्रश होता है प्लास्टिक का या जो भी है, उस पर आप रविंग करोगे तो चार्ज जनरेट हो जाएगा। चार्ज जनरेट मतलब कि एक आपने देखा होगा, आपने 9th, 10th या फिर 12th में फिजिक्स वगैरह पढ़ा होगा, तो जब हम किसी चीज़ को रविंग कर देते हैं ना, तो वहाँ पर रविंग के कारण एक चार्ज जनरेट हो जाता है। रविंग मतलब रगड़ देते हैं, घिस देते हैं, तो चार्ज जनरेट हो जाता है। फिर उसको अपने बालों के पास ले जाओगे, अपने जो हेयर स्किन हेयर है वहाँ पर ले जाओगे, तो ऑटोमेटिक उस चार्ज के कारण ना आपके जो हेयर है, स्किन वाले हेयर, उसको वो खींचेगा, चिपकाएगा, तो वो एक चार्ज के कारण होता है। तो उसी चार्ज को, वो चार्ज जनरेट ना हो, इसलिए ये खास मटेरियल से बनाया जाता है जिसको हम देखते हैं यहाँ पे, ये ईएसडी ब्रश कहते हैं। ईएसडी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, ठीक है। किसी भी टाइप के इसमें स्टैटिक ना बने, मतलब रविंग के कारण इसमें किसी टाइप का चार्ज ना बने। अगर कोई चार्ज बन भी रहा तो वो इसमें डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब बने नहीं देगा, मतलब 0% होता है इसमें चार्ज जनरेट होने का। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ एन एंटी स्टैटिक ब्रश यूज टू क्लीन द मदरबोर्ड एंड ऑल्सो यूज इन वॉशिंग मदरबोर्ड विथ आईपी एंड एलेमा लिक्विड। वही कह रहा है कि जो हमने पिछले वाले में देखा था, आईपी और एलेमा, ये बोल रहा है यहाँ पे, ये आईपी और एलेमा इस लिक्विड की बात कर रहा है, कि हम आईपी के सहायता से इस ब्रश पे लेके हम मदरबोर्ड की साफ सफाई करते हैं। खास करके जब आप कोई रिवर्क कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन पे रिवर्क कर रहे हो, उसमें कोई कंपोनेंट आपने लगाया है या निकाला है, तब हम आईपीए की सहायता से इस ब्रश में आईपीए लेके उस एरिया को साफ़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आईपीए के टाइम पे बताया था कि जब भी आप कुछ रिवर्क करोगे तो साफ़ करना ज़रूरी है,
तो हम इस ब्रश की सहायता से हम उस एरिया को साफ करते हैं, या डिस्प्ले कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, ऑल ओवर जितने भी कनेक्टर जहाँ से हम कनेक्टिविटी बनाते हैं, तो उस एरिया को हम साफ सफाई करते हैं, या मदर या फ़ोन के या मदरबोर्ड के अदर सेक्शन या अदर भाग को भी हम इसे साफ करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये ESD ब्रश है। इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये ESD सेफ है, जब इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी टाइप का चार्ज जनरेट नहीं होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोग भी याद रखेंगे, जब भी आप अगर किसी सर्विस सेंटर पर काम कर रहे हो या अपना शॉप खोल रहे हो, तो आप श्योर करेंगे कि नॉर्मल ब्रश लेके ना इसी ब्रश का इस्तेमाल करना। इससे क्या है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन PCB का जो कंपोनेंट है, उसकी जो कंपोनेंट को जो डैमेज होने का खतरा बहुत कम रहता है। डैमेज मतलब कि ESD चार्ज से डैमेज ना होता है। अगर नॉर्मल ब्रश से हम साफ करेंगे तो क्या होता है कि नॉर्मल ब्रश हम रबिंग करेंगे, जब उस पर रगड़ेंगे साफ करने के लिए, तो एक चार्ज जनरेट हो जाता है। चार्ज जनरेट होने के कारण जो उसके जो सेमी कंडक्टर है या उसकी IC है, उसको वो चार्ज डैमेज कर सकते हैं। आपको वो चीज़ जब तो नहीं पता लगेगा, लेकिन फ्यूचर में चल के आपको उसका पता लगेगा कि हाँ, ये ESD चार्ज के कारण ये कंपोनेंट या ये IC डैमेज हुआ था, और धीरे धीरे करके 2 से 4 महीने में फ़ोन ख़राब होने के चांसेज होता है। तो इसलिए हम नॉर्मल ब्रश को इस्तेमाल ना करके हम ESD ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कटर ब्लेड सेट। ठीक है, कटर ब्लेड सेट के आप पिक में देख सकते हो, ये 1 2 3 4 5 6 टाइप का ब्लेड है और एक हैंडल है। इसमें ये ब्लेड हम फिक्स, ये ब्लेड इसमें हम फिक्स करते हैं, और फिक्स करके फिर हम इससे किसी स्ट्रिप ट्रैक, मदरबोर्ड का ट्रैक या कोई भी लेयर है उसको हम काटते हैं या उसको छीलते हैं। ठीक है, चाहे जंपरिंग वायर करना हो या फिर किसी एरिया को सही शेप में देना हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज अ कटर ब्लेड सेट एज अ सेट एंड हैव वेरियस टाइप ऑफ ब्लेड यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। इट इज़ मेनली यूज्ड इन लोकेटिंग डिस्प्ले स्ट्रिप ट्रैक, मदरबोर्ड ट्रैक, कटिंग ऑफ जंपर वायर ETC। जहाँ तक यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो यूज है डिफरेंट टाइप में है। ठीक है, डिफरेंट पर्पज के लिए होता है, लेकिन मेनली इसका यूज जो होता है डिस्प्ले स्ट्रिप, जो उसका जो पत्ता, जो आप लोग देसी लैंग्वेज में बोलते हो पत्ता या स्ट्रिप, उसको फिक्स करने के लिए होता है, या मदरबोर्ड के ट्रैक को थोड़ा सा रिमूव या छीनने के लिए होता है, या फिर जंपर वायर काटने के लिए होता है। ठीक है, हालांकि जंपर वायर काटने के लिए कटर प्लायर भी होता है, जो स्लाइड में आगे दिखेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका कई टाइप से भी यूज कर सकते हो। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है या इस्तेमाल किया है, खास करके मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ पे मैं रिपेयर कर रहा था, तो वहाँ पे जो नए नए फ़ोन बन के पैक हो रहे थे, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल वहाँ पे हो रहा था जब वो फ़ोन को लेमिनेट कर रहे थे या विथ बॉक्स लेमिनेट कर रहे थे। जब फ़ोन पैक हो जाता था, पैक होने के बाद जब बॉक्स लेमिनेट कर देते थे, ताकि मतलब आगे उसको कुरियर के टाइम पे या फिर लॉजिस्टिक में वो बॉक्स डैमेज ना हो, इसलिए लेमिनेट करते थे। तो लेमिनेट के टाइम पे जो एक्स्ट्रा वेस्टेज होता था, उसको इस ब्लेड की सहायता से काट देते। दुकान वाले भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि वो जब फ़ोन को लेमिनेट कराते हैं या फिर किसी टाइप का कोई कवर उसमें चढ़वाते हैं, तो इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल होता है कि जब आप एक फ़ोन लेमिनेट करा लिए या टेम्पर्ड ग्लास लगवा लिए, तो खास करके प्लास्टिक टेम्पर्ड ग्लास होता है ना, अभी तो नॉर्मल कांच का आ रहा है, लेकिन प्लास्टिक का भी आता है कुछ टेम्पर्ड ग्लास, जो सारे जैसे कि कुछ फ़ोन है जिसका टेम्पर्ड ग्लास नहीं मिल रहा है, तो प्लास्टिक वाले टेम्पर्ड ग्लास लगा देते। तो उसमें क्या होता है कि कैमरे के पास का एरिया इसके इससे ही काटते हैं, नीचे का जो आपका फंक्शन किया है वो भी इसके सहायता से काटते हैं, या फिर फ़ोन लेमिनेट करा रहे हो, जैसे बार फोन लेमिनेट करा लिया, तो उसमें क्या होता है कि जब एक फ़ोन आप लेमिनेट कराते हो तो उसका सब कुछ लॉक हो जाता है उस पन्नी से, कीपैड भी उसका लॉक हो जाता है, रिसीवर के भी आवाज़ आनी बंद हो जाती है, माइक की आवाज़ बंद हो जाती है जानी, कैमरे पे भी वो लेमिनेशन चढ़ जाता है, तो पिक्चर है ब्लर दिखनी शुरू हो जाती है, या और भी कई चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है लेमिनेशन। तो होता क्या है कि इस ब्लेड की सहायता से हम माइक के पास उस लेमिनेटर को काट के उसकी होल को हम खोलते हैं, या रिसीवर के पास उसको काटते हैं, या कैमरे के लेंस के पास का लेमिनेटर इसको इसके सहायता से काट के हटाते हैं, या फिर कीपैड के चारों ओर काटते हैं ताकि कीपैड थोड़ा लूज हो जाए और उसको यूज़ करना आसान रहे। तो मेन यूज यही है कि कटर ब्लेड सेट है, इसका इस्तेमाल आप फ़ोन को जब लेमिनेट करोगे या किसी टाइप का कुछ फिक्स करना चाह रहे हो उस पर,
तो इसे काट छाट करके अब इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ओपनर। तो ये ओपनर होता क्या है कि ओपनर ये जब आप मोबाइल फ़ोन खोलते हो उस टाइम इसका इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल ये होता है कि यह जो ओपनर है जब आप स्क्रू निकालते हो तब ये प्लास्टिक, आप देखेंगे कि सारे प्लास्टिक का बना है, यहाँ पे लिखा भी है इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक एंड हेल्प इन ओपनिंग मोबाइल फ़ोन, ठीक है। ये प्लास्टिक का बना होता है, हालांकि इसमें एक चीज़ देखेंगे ये प्लास्टिक का नहीं है, ये मेटल का है। तो इसको छोड़ देते हो तो बाकी सारे प्लास्टिक का ही बना हुआ है। तो इसका इस्तेमाल होता है जब आप फ़ोन खोलोगे, फ़ोन खोलने के बाद मतलब फ़ोन खोलना मीन्स कि आप उसका स्क्रू खोल दिए लेकिन फ़ोन फिर भी नहीं खुलेगा, वो लॉक पे कहीं ना कहीं फिक्स होता है। तो उस लॉक को हटाने के लिए इस ओपनर का इस्तेमाल करते, खास करके ये जो एक ये दिख रहे नीले कलर का इसका और इन दोनों का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। होता क्या है, ये प्लास्टिक का इसलिए बना होता है कि अगर हम इससे किसी मोबाइल फ़ोन के जो हाउसिंग है या बॉडी है उसके लॉक को खोलेंगे तो उस पर स्क्रैच डेंट या किसी टाइप का कोई क्रैक नहीं आएगी। अगर ये अगर लोहे का बना हो, अगर उससे खोलते या किसी स्क्रू ड्राइवर या ट्वीजर की सहायता से, तो वो बॉडी उसका डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है या फिर उसमें स्क्रैच भी आ सकता है। तो इसलिए इन ओपनर का हम हेल्प लेते हैं। अभी दो चीज़ अभी आप देखेंगे कि ये और ये, इन सब से ये एक और दो, इन सब से क्या होता है कि जो डिस्प्ले कनेक्टर है, माइक कनेक्टर है, LCD कनेक्टर है, वहाँ पे उसके जो लॉक है उसको अनलॉक करते हैं। या उसके अलावा भी अलग अलग जो टाइप के जो ओपनर है अलग अलग टाइम पे इसका इस्तेमाल होता है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल लैब में आओगे, तब इसके इस्तेमाल के बारे में सीखोगे। बस आपको इतना याद रखना है कि यह मोबाइल फ़ोन ओपनर है और इसके एक सहायता से हम मोबाइल फ़ोन के बॉडी को खोलते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स।